आप रुकने असेंबली अमानतुल्ला खान को जमानत मिली है, साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई अमानतुल्ला खान को। रुकने असेंबली पर सरकारी काम में रुकावट डालने का इल्जाम लगाता, कल बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ कंचन कुंज पहुंचे थे अमानतुल्ला खान और अब उन्हें जमानत मिल गई है। साकेत कोर्ट से जमानत मिली है, रुकने असेंबली पर सरकारी काम में रुकावट डालने का इल्जाम था, उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन आज साकेत कोर्ट से दिल्ली के जमानत मिल गई है अमानतुल्ला खान को। आम आदमी पार्टी से रुकने असेंबली है और कल बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मुजाहिरा किया था अमानतुल्ला खान ने, कंचन कुंज पहुंचे थे और मुजाहिरे के दौरान उनके ऊपर इल्जाम लगे कि सरकारी काम में उन्होंने रुकावट डाली है, इसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस के जरिए, लेकिन आज अमानतुल्ला खान को साकेत कोर्ट से दिल्ली के जमानत मिल गई है। अमानतुल्ला खान लगातार बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत कर रहे हैं। शाहीन बाग में जब बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचा था उस वक्त अमानतुल्ला खान ने पूरा मोर्चा संभाला था और ओखला से ही आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली है अमानतुल्ला खान, वहां बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए थे। इसके बाद कल जब कार्रवाई हुई कंचन कुंज में तब वहां भी वो पहुंचे थे और मुजाहिरा किया था, पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए थे अमानतुल्ला खान, इल्जाम लगा था सरकारी काम में रुकावट डालने का।